वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने चैनल डेली बिजनेस में आप सभी लोगों का। और आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे यूटीआई पीएसए का प्री फिल फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आप लोग पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत दिक्कत आ रहा है तो आप प्री फिल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारा डिटेल्स फिलअप होगा, बस आपको फोटो और सिग्नेचर लगाना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग यूटीआई पीएसए का आईडी लेना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ फ्री फिल फॉर्म की, तो सिंपली आपको यहाँ पे यूटीआई की पीएसए की वेबसाइट को खोल लेना है। खोलने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अभी दो आपको दोनों तरीके से प्री फिल फॉर्म मिलेगा, न्यू पैन में और करेक्शन दोनों में। तो अगर आपको न्यू पैन में चाहिए तो फॉर्म 49A सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रीजनरेट पैन एप्लीकेशन। ये वाला जो रीजनरेट पैन एप्लीकेशन शो कर रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज आ जाएगा जहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है रीजनरेट पैन एप्लीकेशन। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, पैन एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन नंबर डालना है। और अगर आप सीएसएफ पे क्लिक करेंगे इधर भी सेम ऑप्शन मिलेगा आपको, जनरेट सीएसएफ पैन एप्लीकेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये सेम वेबसाइट पे लेके आएगा और यहाँ पे बोल रहा है एंटर एप्लीकेशन कूपन नंबर टू जनरेट एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट। एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी, हाँ वही ये एक्नोलेजमेंट रिसीव बोल रहा है, बट आपको वही देना है। तो मेरे केस में मैं सीएसएफ का कर रहा हूँ तो सीएसएफ का मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा। तो अगर आप आपके पास कूपन नंबर भी नहीं है, आपने जस्ट अप्लाई कर दिया था, कूपन नंबर नोट नहीं किया था, सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट वाले जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मेरे न्यू में कोई अपलोड पेंडिंग नहीं है। अगर मैं सीएसएफ में जाऊंगा और अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, सीएसएफ अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मेरा कूपन नंबर मिल जाएगा। सिंपली इस कॉपी कूपन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए और इसी कूपन नंबर को आप सीएसएफ पे जाके रीजनरेट सीएसएफ पैन एप्लीकेशन में आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया जनरेट सीएसएफ पैन एप्लीकेशन। सिंपली मुझे यहाँ पे कूपन नंबर पेस्ट करना रहेगा, सबमिट बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे एक प्री फिल फॉर्म जो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप लोग प्री फिल फॉर्म को कर सकते हैं। बस इसको आपको प्रिंट आउट लेना है, फोटो लगाना है और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऊपर सिग्नेचर, बाकी सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह आप प्री फिल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा प्रिंट आउट हो गया, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज। तो आप इसको प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके बस इसको आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा, कुछ इस तरह का डाउनलोड का प्रोसेस है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते रहे वीडियो से, तब तक के लिए आप लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।